हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज 10 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सेशन शुरू होते ही विपक्ष हंगामे पर उतर आया। जाट आरक्षण के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को नकारा कहा, तो वहीं इनेलो की ओर से काम रोको प्रस्ताव यहां पर रखा गया है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। बाद में स्पीकर ने बैठक की और इनेलो के स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अब जाट आरक्षण के मुद्दे पर कल सदन में चर्चा होगी। ने जो प्रस्ताव दिया था वो एक ऐसा इश्यू है जिस पे पूरे प्रदेश की आज नजर लगी हुई है और सरकार कहीं ना कहीं इस इश्यू से लोगों का ध्यान हटाना चाहती थी, इसलिए हमने आज काम रोको प्रस्ताव दिया। 100% सदन की कार्रवाई तब तक नहीं चलने देंगे जब तक हमें कोई ठोस जवाब नहीं मिलेगा। आज उसी को लेकर के हमने सदन प्रस्ताव दिया, काम रोको प्रस्ताव दिया। आखिर स्पीकर को हमें अपने चैम्बर में बुला करके हाउस को अडजोन करके और बैठ करके ये फैसला लेना पड़ा कि इश्यू जरूरी है, इस इश्यू पे चर्चा होनी चाहिए। अब इस इश्यू पे कल चर्चा होगी। अडजोनमेंट मोशन जो है लगाए गए थे और क्योंकि बहुत सारे साथियों ने लगाए थे तो उस पे स्पीकर महोदय ने ये कहा है कि कल जो है उस पर चर्चा की जाएगी। विशेष तौर से जो जाट आरक्षण के दौरान जो भी वायदे सरकार ने किए उस दौरान, बहुत से लोग हैं इस समय हमारे धरना स्थलों पर बैठे हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, तो इसको लेकर है कि कल चर्चा कि किन मुद्दों पर सहमति बनी थी और सरकार ने क्या क्या चीजें पूरी की हैं उस पर जो है जो अडजर्नमेंट मोशन लगाया गया था उस पर चर्चा के लिए कल का समय स्पीकर साहब ने दिया है। तो विपक्ष के तेवर आक्रामक है, वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकल सकता है। मत रहा है कि बातचीत के माध्यम से ही समाधान हो सकता है और संवाद से समाधान निश्चित हो सकता है। भारत के संविधान के दायरे में, कानून की परिधि में हर जायज मांग पर सरकार विचार करके सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक कदम उठाते हुए, सकारात्मक रवैया रखते हुए सार्थक प्रयास करने के लिए सरकार हमेशा तैयार है।